मैडम, सबसे पहले त्रिशाकर जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, और सभी दोस्तों को प्रणाम, और भोजपुरी सारे जो वेल विशर है सबको प्रणाम। आप बैक कर रहे हैं, कम बैक, 3 महीने के बाद इंडस्ट्री में एक बार फिर से, क्या कहना चाहेंगे? बस जो मेरे गुड विशर है उन लोगों का आशीर्वाद और मेरा गार्जियन का प्यार, मैं आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले तो जो वायरल वीडियो हुआ उसके बाद आप कमबैक कर रहे हैं, किस तरीके से कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, किस किस लोगों ने किस तरीके से समाज का जो ताना होता है आपको किस तरीके से झेलना पड़ा, और आखिरकार आप कैसे कमबैक करने की तैयारी किया? बहुत लंबा जवाब आपको तो नहीं दूंगी, इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि कुछ बात होता है ना जो जुबा से नहीं निकलती है, कुछ बात ऐसे भी होता है जो आपको दिख जाता है, तो बस दिखाना है, बोलना कुछ नहीं है, मेरे पास कोई वो नहीं है, ना पावर यूज़ है, ना प्रॉपर्टी यूज़ है, कुछ यूज़ नहीं है, बस इतना चीज़ें करना है, मेरा काम आप लोगों को जवाब देगा, और इतना ही बोलूँगी जो लोग जो भी करना चाहे, जो मेरे इतना अच्छे, मेरे से इतना अच्छा चीज़ें कर दिए मेरे जीवन के साथ, उन लोगों को ये बताना चाहूँगी, मरने वाली से मैं नहीं हूँ, उसी दिन मरेंगे जिस दिन ऊपर वाला चाहेंगे। तो किस इंडस्ट्री के लोग हैं, क्या आपको सपोर्ट किया जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो कौन कौन इंडस्ट्री के लोग आपके सपोर्ट में आए थे पर्सनली? कुछ लोग आए या फिर नहीं आए, या सभी लोगों ने आपको नेगेटिव कर दिया? एक दो बहुत ही, जिन लोगों के साथ मैं काफी ज्यादा हिट गाना दे चुकी हूँ, कुछ जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा हिट गाना दे चुकी हूँ, कैमरामैन पंकज सोनी जी सबसे पहले, वो मेरे लिए, उनको यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम, और इतना मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए पंकज जी, यहाँ से थैंक यू भी छोटी पड़ जाएगी क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुआ उनको समझने के लिए शायद कुछ चंद लोगों के पास ही दिमाग था कि मुझे समझ सके, उसके लिए थैंक यू आपको, और जो मुझे सपोर्ट किया, किसी लोगों का नाम नहीं बताऊंगी, शायद कल जाके मेरे लिए उनको परेशानी झेलना पड़े, मैं ये नहीं चाहूंगी जो मुझे सपोर्ट किया उनका नाम लूँ, उनको यहाँ से थैंक यू, दिल से थैंक यू कि मुझे भरोसा देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आपके वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मेरा जिंदगी आज मैं जिंदा हूँ उसका कहीं ना कहीं मतलब, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि मैं यहाँ पे हूँ और स्वस्थ हूँ। नवरात्रे का, दुर्गा पूजा का दिन आ चुका है, और आप स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, फिर से कमबैक जो कर रहे हैं, दुर्गा पूजा से ही गाने से कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे देखती हूँ, कहीं ना कहीं सब लोग बोला कि कोलकाता से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बस इतना ही बोलूँगी, कोलकाता का फेमस है दुर्गा पूजा और नवरात्रि है, मैंने सोचा था कि नहीं कर पाऊँगी देवी गीत, शायद सब चीज़ ख़त्म ही हो गया, माँ को एक दिन भी पूजा किया हो तो मन से की हूँ, कुछ नहीं, फिर से देवी गीत के साथ स्टार्टिंग होगी, और आपकी त्रिशाकर मधु जिनको अपने नाम दिया, बदनाम दिया, बहुत कुछ दिया, यहाँ हूँ, और देवी गीत आप लोग देखिएगा, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और जितना कमेंट करना है, जैसे मन चाहे करना है कर दीजिए, सब चीज़ झेल लूँगी। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो आपको खास करके प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं फैंस के लिए? उन लोगों के फैंस के लिए, मेरे लिए तुम लोग भी लड़े हो, आप लोग भी लड़े हो, मेरे कुछ बहन, मेरे कुछ जो मुझे बहन बोलते, कुछ लोग बोले कि दीदी ऐसा चीज़ घट जाएगा नहीं पता चले, सारे लोगों के लिए ऐसे सॉरी, क्योंकि मेरे से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है, उसके लिए मैं इतना ही कर, अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है, बस इतना ही कर सकती हूँ, हाथ जोड़ करके सॉरी बोल सकती हूँ, और फिर से वही प्यार, वही आशीर्वाद, और वही सपोर्ट चाहिए कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, और मेरा ये कंधा और मजबूत हो जाएगा जब आप लोग प्यार और आशीर्वाद उसी तरीके से दीजिएगा, और उससे अच्छे तरीके से दीजिए कि जो लोग आप लोग अगर सही में प्यार करते हो, तो जो लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ, आप लोग दिखा दीजिए कि आप लोगों का प्यार उस लोगों पे भारी पड़ जाए। थैंक यू मैडम, वेलकम।